अभी तक आपने देखा पर्वत डॉक्टर में। लिन चिल्लाकर बोलता है, तुम अपने सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखती हो। लियोन बोलती है, ठीक है तुम मसाज कर सकते हो लेकिन मेरे कपड़े के ऊपर। मैं अपना कपड़ा खुलने वाली नहीं हूँ। लिन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े के ऊपर मसाज कर देता हूँ। फिर लियोन बिस्तर में लेट जाती है। लिन बोलता है, ये थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन इसे सहना, ये मसाज करने के बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। फिर लिन उसका मसाज स्टार्ट कर देता है। कुछ देर के बाद बोलता है, लियोन अब तुम उठ सकती हो, अगला महीना तुम्हारा पीरियड होगा ना, मैं तुम्हारा मसाज कर दूंगा। लोन बोलती है, रहने दो अगला महीना, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है लेकिन ये काम कर गया। अब मेरे पेट में कोई भी दर्द नहीं है, अब मैं पहले से ज्यादा बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। लिन बोलता है, बेशक मेरा स्किल बहुत ही अच्छा है। ओ हाँ लोन, क्या तुम आज की रात मेरे साथ सोना चाहोगी। लोन बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, उस समय सिर्फ गलती से हो गया था, आज मैं पहले ही जा रही हूँ घर। लिन बोलता है, ठीक है संभल के जाना, चलो मैं भी सो जाता हूँ जल्दी। सही में माउंटेन के ट्रिप से मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। फिर वो सोते हुए अपने मन में बोलता है, तो आज मुझे किस की थी, तो वो मुझसे प्यार करती है लेकिन हम लोग के आने के बाद उसका पूरा ध्यान टर्टल में आ गया। रहने दो इसे, मैं जा रहा हूँ सोने। फिर वो आराम से सो जाता है। उसी देर के बाद बिजली गरज रहा होता है। सू के चिल्लाने की वजह से लिन जाग जाता है। लिन अपने मन में बोलता है, ये तो सू का आवाज लग रहा है। फिर वो उसके रूम में चला जाता है और बोलता है, सू क्या हो गया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो रोते हुए बोलती है, ब्लैक फिश गॉट, बिजली कड़क रहा है, मुझे सही में बहुत ही डर लग रहा है। लिन बोलता है, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई आ गया है लेकिन तुम तो बिजली से डर रही हो, आराम करो मैं चलता हूँ। सू चिल्लाकर बोलती है, ब्लैक फिश गॉट मुझे अकेला मत छोड़िए है। लिन बोलता है, कितना मुश्किल है ये, इतना एज हो गया तुम्हें अभी भी तुम्हें डर लग रहा है, इसे लगता है तुमने कुछ किया था इसलिए तुम्हें बिजली से डर लग रहा है। सू बोलती है, तुम ये बुरा काम कर सकते हो, मुझे सही में डर लग रहा है। लिन अपने मन में बोलता है, ओ हाँ आखिरी बार जब बिजली कड़क रहा था तो यन के साथ सो रही थी, मुझे पहले लगा कि ये दोनों लेस्बियन है लेकिन किसे पता ये सही में बिजली से डरती है। लिन बोलता है, ठीक है डरो मत मैं यहीं पर हूँ। तभी जोर से बिजली कड़कता है। सू चिल्लाकर लिन के गले लग जाती है। लिन बोलता है, हे क्या तुम इस मौके का फायदा उठा रही हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, सू कोई कपड़ा नहीं पहनी है, उसके संतरे मेरे पीठ में लग रहा है। सू बोलती है, मुझे सही में बहुत ही डर लग रहा है। लिन बोलते है, नहीं मुझे जाने दो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगी मैं बुरा कुछ कर लूंगा, मैं वापस जाता हूँ अब। सू बोलती, नहीं प्लीज मत जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो मेरे साथ लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। लिन ये सुनकर खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है, हाँ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, सही में मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर वो उसके पाँव को सोते हुए बोलता है, सू का पाँव सही में बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। लिन गुस्से से अपने मन में बोलता है, अभी इतना देर, अभी तो मैंने स्टार्ट किया था और इस समय कौन आ गया। सू बोलती है, ब्लैक फेस गॉड दरवाजा खोलो जाकर, शायद कोई पेशेंट होंगे। लिन अपने मन में बोलता है, गाँव वाले हमेशा इस समय में क्यों बीमार होते हैं। फिर वो गेट खोल के बोलता है, कौन है, क्या तुम कल नहीं आ सकते हो। एक लड़का लिन को गोली टांगते हुए बोलता है, हे ब्रैड क्या तुम इसका स्वाद चखना चाहते हो, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ नहीं तो मैं तुम्हारे क्लिनिक को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। लिन उसका हाथ में मारते हुए बोलता है, मुझे नफरत है जो मुझ पर बंदूक तानते हैं। आग चिल्लाकर बोलता है, मैं चाहता हूँ। ची बोलता है, चुप हो जाओ डू। लिन हंसते हुए बोलते है, ची क्या ये लड़का पागल है क्या। ची बोलता है, डॉक्टर लिन इसका प्रॉब्लम है, भूल जाइए इसे, प्लीज इसे किसी तरह बचा लीजिए, जल्दी से मिसेज ही को यहाँ पर लाओ। लिन बोलते है, क्या इसे तो गोली लगा है, इसका चेहरा बहुत ही ज्यादा पीला पड़ गया है, ये मुश्किल से सांस ले रही है, गोली इसके दिल के करीब लगा है, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दूर चिल्लाकर बोलते है, मुझे पता है इस बारे में, ये बच्चा इसे कैसे बचा सकता है, मैं पहले ही बोला था तुम लोगों को मिसेज ही को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ठीक गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता और बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो, इसे गोली लगी है, अगर हम लोग मिसेज ही को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हमें इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर हम लोग क्या बोलेंगे इस बारे में। फिर वो लिन को बोलता है, डॉक्टर लिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मिसेज ही लॉयल्टी ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसे बचा लीजिए। लिन बोलता है, बेशक मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा लेकिन इसका खून बहुत ही ज्यादा निकल चुका है, सर्जरी करने से पहले इसे खून देना होगा, तुम लोगों को पता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। डू बोलता है, ए बी है, क्या किसी का ब्लड टाइप ए बी है क्या। डू बोलता है, जी क्या तुम्हारा है क्या। जी बोलता है, मेरा नहीं है और तुम्हारा क्या, उसके पीछे में कितने भी लोग खड़े होते हैं, किसी का भी ब्लड टाइप ए बी नहीं होता है। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है, यहाँ पर इतने सारे लोग है लेकिन किसी का भी ब्लड टाइप ए बी नहीं है। तभी सू आ जाती है बाहर में और बोलती है, ब्लैक फेस गॉड मेरा ब्लड टाइप ए बी है, मुझे मदद करने दीजिए। लिन बोलते है, सू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम खून नहीं दे सकती हो लेकिन तुम जाग गई हो, क्या तुम लोन को यहाँ पर बुला लोगी। सू बोलती है, ठीक है। दूर चिल्लाकर लिन को बोलता है, हे तुम कर क्या रहे हो, इसका ब्लड टाइप ए बी है, तुम उसका खून क्यों नहीं ले लेते। लिन बोलता है, बकवास बंद करो तुम, मेरा ब्लड टाइप भी ए बी है। डू बोलता है, मैं पहले ही तुम्हें बोल देता हूँ, अगर तुम इसे बचा नहीं पाए मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये उसको यहाँ से ले जाता और बोलता है, डॉक्टर लिन आप जाइए अपना काम
काम करिए, मैं इसे शांत कर देता हूँ। लिन डू को बोलता है, अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे मैं सही में तुम्हारा पेट खराब कर दूंगा। तभी वहाँ पर लुआन आ जाती है और बोलती है, लिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो। लिन बोलता है, लुआन सही में तुम बहुत ही जल्दी आ गई, ठीक है जल्दी से सर्जरी स्टार्ट करो। लुआन शॉक्ड होकर बोलती है, हाँ अभी सर्जरी। लिन बोलता है, लुआन जल्दी से मुझे चाकू दो। लुआन बोलती है, क्या तुम इसे एनेस्थीसिया नहीं दोगे। लिन बोलता है, मैंने अपना सिल्वर नीडल का इस्तेमाल किया इसे बेहोश करने के लिए, इसका असर सही में बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं रहता है, तो हमें जल्दी करना होगा। लिन अपने मन में बोलता है, ये घाव तो पूरा दिल के करीब है, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो चाकू से काट देता है और बोलता है, नहीं अब मैं ज्यादा गहरा नहीं काट सकता हूँ, नहीं तो इसका ऑर्गन कट जाएगा। यहाँ का टूल से इतना काफी नहीं है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे अपना फिंगर का इस्तेमाल करना होगा, मुझे जल्दी से पता करना होगा कि बुलेट कहाँ पर है। फिर वो चेक करके अपने मन में बोलता है, ये तो लंग से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, अच्छा वो कि ये दिल में नहीं लगा। फिर वो गोली को निकाल देता है और बोलता है, लुआन जल्दी से मुझे सूता दो। लुआन उसे देते हुए बोलती है, ये लो। लिन बोलते है, सब कुछ सही चल रहा है, आखिर में मुझे इसका चेकअप करना होगा। फिर लिन उसके मुंह में फूंकता है, ये देखकर लुआन बोलती है, लिन तुम इसे चेकअप बोल रहे थे, तुम ठड़की कहीं के। लिन बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि इसका लंग सही में काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर कोई रेस्पिरेटर नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ये इस मौके का फायदा उठा रही है। लुआन चिल्लाकर बोलती है, तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, तुम उसका फायदा उठा रहे हो। लिन बोलते है, लुआन क्या तुम जल रही हो, या फिर तुम चाहती हो मैं तुम्हें CPR दूं। लिन बाहर आ जाता है और बोलते है, सी वो लड़की बच गई है। सी बोलता है, सही में शुक्रिया आपका डॉक्टर लिन, सही में डॉक्टर लिन तुमने मुझ पर एहसान कर दिया। लिन बोलता है, वो सही में, फिर तुम मुझे पैसा दे दो। सी बोलता है, कैसा रहेगा कि शादी कर ले। डॉक्टर लिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लिन बोलता है, निकल जाओ, अगर मुझे किसी से शादी करना होगा फिर मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूंगा, ना कि तुमसे। तभी डू बोलता है, हे सरनेम लिन मेरा हाथ ठीक करो। लिन बोलता है, हे मेरा नाम लिन हाउ है, ना कि सरनेम लिन। डू चिल्लाकर बोलता है, भाव मत खाओ, मिसेस ही को बचा लियो, उसका मतलब ये मत समझो कि तुम बहुत ही अच्छे हो, अब चुप होकर मेरा हाथ ठीक करो। लिन गुस्से से बोलता है, क्या मदद इस तरह से मांगा जाता है, माफी मांगो मुझसे। डू चिल्लाकर बोलता है, माफी मांगू, मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला हूँ। लिन बोलता है, लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। डू बोलता है, हे तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हो। तभी लिन उसका हाथ तोड़ देता है। डू चिल्लाकर बोलता है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें मरना है क्या। लिन बोलता है, अगर तुम माफी मांगोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा। डू बोलता है, मैं तुम्हें सही में मार डालूंगा आज। डू बोलता है, अच्छा रहेगा कि तुम रुक जाओ। लिन बोलता है, जी इसमें दखल मत दो, मुझे नहीं लगता ये लड़का सुधरेगा बिना मार खाए हुए। ये बोलता है, ठीक है डॉक्टर लिन इसे इतना मत मारिएगा। तभी वहाँ पर यूनेर आ जाती है और बोलती है, रुक जाओ, जबकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुम यहाँ पर मुसीबत पैदा कर रहे हो। डू लिन ने मेरा जान बचाया है और अभी इसने जीन को भी बचा लिया, तुम इसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। फिर वो लिन को बोलती है, लिन अभी जीन कैसी है। लिन बोलता है, वो एकदम ठीक है, अभी वो कमरे में आराम कर रही है। यूनेर बोलती है, मुझे अंदर आने दो, मुझे देखना है उसे। लिन बोलता है, मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं, क्या तुम मेरी बॉस हो। डू चिल्लाकर बोलता है, लिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यूनेर के साथ ऐसा बात कर रहे हो। यूनेर बोलते, चुप हो जाओ, अपने काम से काम रखो। डू शॉक्ड होकर बोलता है, ठीक है। यूनेर लिन को बोलती है, लिन डू रेड पीस ग्रुप का यंग मास्टर है, इसे माफ करना, जिन हम दोनों के ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। लिन बोलता है, ठीक है अंदर आ जाओ। फिर यूनेर आकर जिन को देखती है और लिन को बोलती है, लिन ये तो सही में ठीक हो गई है, तुम अपने करियर को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो। लिन बोलता है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और जगह है क्या। यूनेर बोलती है, तो तुम हमारे लॉयल्टी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। लिन बोलता है, क्या तुम चाहती हो मैं गैंग में ज्वाइन हो जाऊं। यूनियन बोलती है, हमारी कंपनी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हमारे अंडर बहुत सारी स्टाफ भी काम करते हैं, तुम्हारा 1 साल का सैलरी होगा 5 लाख, या तुम ज्वाइन होना चाहती हो। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, हाँ सिर्फ 5 लाख। यूनियन बोलती है, क्या 5 लाख का सैलरी तुम्हें कम पड़ रहा है। लिन बोलते है, ये बात नहीं है, मेरा एम पैसा नहीं है। यूनियन अपने मन में बोलती है, इसका एम पैसा नहीं है, पैसे से क्या इम्पोर्टेंट होगा ज्यादा, शायद ये हो सकता है इसका ऊपर मेरा क्रश है क्या, ये मुझसे शादी करना चाहता है। हालांकि ये लड़का का बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब है और सभी से झगड़ा भी करता है, लेकिन इसे करीब से देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। लिन बोलता है, क्या हो गया तुम्हें, तुम मुझे क्यों घूर रही हो। यूनियन बोलती है, कुछ नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए हैंडसम लगा। यूनियन बाहर आकर लिन को बोलती है, जी और अंकल जी चले गए हैं, फिर मैं भी चलती हूँ। लिन बोलता है, ठीक है जब वो लड़की ठीक हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी डू लिन को बोलता है, हे मेरा हाथ अभी ठीक कर दो। लिन बोलता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अभी भी। यूनियन बोलती, तुम दोनों झगड़ा करो, मैं तुम्हारे बीच में
नहीं आऊंगी। डू लिन को बोलता है जल्दी करो, मेरा हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लिन बोलता है मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। डू बोलता है मैं माफी मांगू, अगर तुम मदद नहीं करोगे इसे ठीक करने में तो तुम्हें क्या लगता है कोई और नहीं कर सकता है क्या? लिन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम्हारे हाथ को पूरी तरह ठीक कर सकता है, वो कोई और नहीं मैं हूँ। डू बोलता है बकवास बंद करो तुम अपना, मैं किसी और को खोज लूंगा मेरी मदद के लिए। लिन बोलता है क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? डू बोलता है ठीक है बताओ क्या लगाओगे। लिन बोलता है अगर तुम किसी और को खोज लेते हो जो तुम्हारा हाथ को ठीक कर सकता है तो ये ऑडी तुम्हारा हो जाएगा। डू बोलता है ओ ये तुम्हारा गाड़ी है? ठीक है मुझे कोई और नहीं मिला तो ये मेरा ऑडी तुम्हारा हो जाएगा। लिन बोलता है ठीक है तुम्हारे जैसे और भी कस्टमर यहाँ पर आते रहे। डू बोलता है ठीक है तुम इंतजार करो। लिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ कि तुम मुझे कब दोगे ऑडी। फिर वो चेकअप करवाने लगता है डॉक्टर को। डू चिल्लाकर बोलता है क्या ये सेकेंडरी लेवल का हॉस्पिटल है और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम ये बोल रहे हो कि तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को एक ही सेकंड में बैंकरप्ट कर सकता हूँ। डॉक्टर बोलता है प्लीज शांत हो जाइए, कुछ दिन पहले हमें सेम ही पेशेंट मिला था आपके हाल की तरह, हमने हर कंट्री से प्रोफेशनल डॉक्टर को बुलाया, वो लोग देख के बोल रहे थे कि वो लोग इलाज तो कर देगा, कामयाब होने का रेट 10% से भी कम है। डू बोलता है वो यहाँ पर सेम इंजुरी वाला आया था, जल्दी से वो आदमी का इन्फॉर्मेशन दो मुझे। डॉक्टर बोलता है हमारे हॉस्पिटल में रूल है हम लोग पेशेंट का इन्फॉर्मेशन किसी और को नहीं देते हैं। डू चिल्लाकर बोलता है क्या तुमने क्या बोला अभी? उसके सारे आदमी उस पर बंदूक टान देते हैं। डू बोलते हैं सही में मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बताओ मुझे। डॉक्टर घबराते हुए बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ मैं उसकी जानकारी अभी दे रहा हूँ। फिर वो उसका जानकारी लेकर निकल जाता है वहाँ से। फिर हमें टैंक के घर में दिखाया जाता है, टैंक रात को अपने घर में आ जाता है और बोलते हैं डार्लिंग क्या तुमने मुझे मिस किया? उसकी पत्नी बोलती है सही में बहुत ही लेट हो गया, आखिरकार सही में तुम आ ही गए, मुझे तो सही में नींद आ रहा था। टैंक अपना कपड़ा खोल देता है और बोलते हैं चिंता मत करो मैं तुम्हें नींद से जगा दूंगा। फिर उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, तभी कुछ देर के बाद दरवाजा नॉक करता है। टैंक चिल्लाकर बोलता है कौन है वहाँ पर? तभी डू आकर बोलता है ओ मुझे माफ करना तुम दोनों तो बिजी हो। टैंक बोलता है तुम हो कौन निकल जाओ यहाँ से। फिर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उसके ऊपर बंदूक टान देते हैं। टैंक बोलता है हाँ तुम्हारी इतनी मत तुम उस पर बंदूक टान रहे हो, तुम्हें पता है क्या मैं कौन हूँ? मैं ग्रीन गैंग का कजिन का लीडर हूँ। डू बोलता है तो क्या हो गया? मैं रेड पीस का यंग मास्टर हूँ। टैंक घबराते हुए अपने मन में बोलता है रेड ग्रुप? डू बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आया हूँ कि तुम्हारा हाथ का ये हाल था पहले? टैंक शॉक्ड होकर बोलता है क्या ये लीन ने किया है ना तुम्हें भी? डू बोलता है क्या तुम्हारे हाथ को भी लीन ने किया था? गुस्से से बोलता है हाँ बिल्कुल अभी भी मुझे गुस्सा आता है ये सोचकर, मुझे 1 मिलियन लगा था इसे ठीक करने के लिए। डू बोलता है ओ तुम ठीक हो गए थे? फिर वो अपने मन में बोलता है हालांकि 1 मिलियन लग जाएगा लेकिन इसके अलावा मुझे लिन का एक्सिस तो मिल रहा है, ये सौदा एकदम सही है। टैंक बोलता है मैं बहुत सारा हॉस्पिटल गया था, सारे डॉक्टर बोले थे कि इसे ठीक करने के लिए सर्जरी करना होगा और वो लोग गारंटी से भी नहीं बोल पा रहे कि ये ठीक होगा कि नहीं, इसलिए मैं आखिर में लिन के पास चला गया। डू शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम्हारा मतलब कि वो तुम्हारा ठीक किया? फिर वो अपने मन में बोलता है धरती रिकी लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना होगा। टैंक बोलता है उसने मेरे हाथ को 1 ही मिनट में ठीक कर दिया लेकिन इसके लिए मुझे $1 मिलियन लग गया। डू बोलता है धरती रिकी लगता है कि मुझे भी उसके पास जाना होगा। टैंक बोलता है मिस्टर डू क्या आप जा रहे हो? जब आपको समय मिलेगा प्लीज वापस आइएगा और मुझे माफ करिएगा कि मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ अभी। डू बोलता है मुझे नहीं पता था कि मिस्टर पैंग इतना दयालु है। टैंक बोलता है सही मैं अपने गैंग पे दानी के तौर पर जाना जाता हूँ। डू बोलता है ओ ऐसा बात है फिर अपना पत्नी को मुझे दे दो। टैंक बोलता है मिस्टर डू प्लीज माफ कर दो मुझे मैं तुम्हें यंग सिटी में बहुत ही बढ़िया लड़के से मिलवाऊंगा। डू बोलता है रहने दो से ये तुम्हारा बेंस का कार बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अपना पत्नी को रहने दो लेकिन ये तो दो मुझे। फिर टैंक जल्दी से चाबी दे देता है और बोलता है ये लीजिए। फिर वो चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, यूनियर बोलती है तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो? डू बोलता है ये मेरे हाथ की वजह से है। यूनियर बोलती है क्या लिन अभी तक ठीक नहीं किया तुम्हें? अच्छा होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो। तभी लिन बाहर आ जाता है और बोलता है यूनियर तो वो लड़की को जाकर देख लो वो कुछ देर पहले जागी थी, मैं यहाँ पर रहकर डू से बात करता हूँ। यूनियर बोलती है ज्यादा इसे तड़पाना मत। फिर वो अंदर चली जाती है। डू चिल्लाकर लिन को बोलता है प्लीज मेरे हाथ को ठीक कर दो ये मेरी गलती है। लिन बोलते है ये हुआ ना बात अब बॉडी का चाबी दो मुझे। डू का बॉडी गार्ड उसे चाबी दे देता है। फिर डू बोलते है अब मेरे हाथ को ठीक कर दो। लिन बोलते है ठीक है दोनों हाथ अपना ऊपर करो थोड़ा सा दर्द होगा इसमें सह लेना तुम। फिर लिन उसका हाथ को ठीक कर देता है। डू शॉक्ड होकर बोलते है क्या ये सही में ठीक हो गया? लिन बोलते है जबकि तुम्हारा हो गया तुम निकल जाओ यहाँ से। डू गुस्से से बोलता है बकवास बंद करो अपना। लिन उसका दोनों हाथ पकड़ लेता और बोलता है तुमने क्या बोला अभी मैं एक और ऑडी ले सकता हूँ। डू बोलता है रुको मेरा ये मतलब नहीं था मुझे माफ कर
करना। लिन बोलता है अच्छा हुआ कि तुम समझ गए, बिना मेरे परमिशन से अंदर मत आना। दूसरी तरफ यूनिस जीन को बोलती है, जीन तुम्हें कैसा लग रहा है? जीन बोलती है मुझे ठीक लग रहा है लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ। लिन अंदर में आकर बोलते है जीन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा खून बह गया था इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा थकी हुई हो, तुम आराम करो। यूनिस जीन को बोलती है जीन यह है डॉक्टर लिन, इसने तुम्हें बचाया था तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लिन बोलता है कोई बात नहीं मैं अपना काम कर रहा था। जीन लिन को बोलती है फिर भी डॉक्टर लिन मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर आप नहीं रहते तो मैं बच नहीं पाती। लिन बोलता है तुम मेरा बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही हो, आराम कर लो अपने आप को ज्यादा थकाओ मत। जीन बोलती ठीक है फिर वो सो जाती है। लिन यूनिर को बोलता है यूनिर देखो ये कितने अच्छे से मेरे बात मान ली और अपने आप को देखो तुम। यूनिर बोलती है चुप हो जाओ लिन। लिन बोलता है तो तुम इसे हॉस्पिटल कब ले जाओगे? यूनिर बोलती है ट्रांसफर जो इस पर हमला किया था वो अभी तक मिला नहीं है, हम लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते इसे, अच्छा रहेगा कि वो यहीं पर है, अगर कहीं और ले जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिन शॉक होकर बोलता है क्या वो इतने छोटे से क्लिनिक में कैसे रह सकती है, वो अभी सर्जरी रूम में है, अगर दूसरा पेशेंट आ गया तो मैं सर्जरी कैसे करूंगा। यूनिर बोलती है चिंता मत करो अगर तुम राजी हो गए मैं तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट दूंगी। लिन बोलता है फायदा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली हो? यूनिर बोलती है सपना देखना बंद करो, फायदे का मतलब ये है मेरा ये क्लिनिक को मेडिकल इंस्टीट्यूशन बना दिया जाएगा जो लॉयल्टी ग्रुप के लिए काम करेगा। लिन बोलता है ओ ये फायदा है। लिन बोलता है ठीक है लेकिन तुम्हें एग्रीमेंट में साइन करना होगा। यूनिर बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? लिन बोलता है बेशक नहीं। यूनिर गुस्से में आ जाती है बोलती तुम ठीक है लेकिन हमारा लॉयर कुछ महीने पहले रिटायर हो गया था, अब मैं लॉयर कहाँ से लाऊं? लिन बोलता है लॉयर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे पता ही से कहाँ खोजना है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो मेरे साथ। वो उन दोनों की देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो? लिन अब तुम बहुत ही ज्यादा भाव खा रहे हो। लिन बोलता है मैं इसे काम के लिए ले जा रहा हूँ, तुम अपने काम से काम रखो। दूस चिल्लाकर बोलता है यूनिर मेरा फियांसी है तुम्हें मेरा परमिशन लेना चाहिए इसे कहीं और ले जाने के लिए। लिन यूनिर को बोलता है फियांसी यूनिर इस बारे में मैंने सुना नहीं है। यूनिर बोलती है ये मेरे पापा ने किया था बिना बताए मुझे, मैं इसे कभी भी हाँ नहीं बोली हूँ। डू रोते हुए बोलता है यूनिर तुम क्या बोल रही हो? यूनिर बोलती है डू अच्छा रहेगा कि तुम मेरी बात सुनो, पहला बात मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं तुम्हारी फियांसी भी नहीं हूँ, दूसरी बात है मुझे एकदम फ्रीडम है मैं जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ, तीसरी बात अगर तुम मुझे फिर से प्यार से बोलोगे तो मैं तुम्हारा तीसरा टांग तोड़ दूंगी। दूर होते हुए बोलता है यूनिर। यूनिर लिन को बोलती है लिन चलो यहाँ से। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूर गुस्से से बोलता है ठीक है लिन तुमने मेरा गाड़ी तो लिया ही लेकिन तुमने मेरा पत्नी भी ले लिया। फिर वो फोन करके बोलता है घोष यंग सिटी में जल्दी आओ। फिर वो अपने मन में बोलता है लिन अब तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ यूनिर लिन को बोलती है हालांकि हमारा लॉयल्टी ग्रुप अपना ताकत खो रहा है इसलिए मेरा पापा रेड पीस ग्रुप के यंग मास्टर से मेरी शादी करना चाहते हैं। लिन बोलता है वो मैं समझ गया तुम्हारा पापा लॉयल्टी ग्रुप का ताकत बढ़ाने के लिए वो रेड पीस ग्रुप से रिलेशन रखना चाहते हैं, उसके बदले तुम्हें भेज दिया जाएगा वहाँ पर। यूनिर बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं कोई आइटम हूँ तो मुझे कोई भी भेज देगा। लिन बोलता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तब जीन बहुत ही अमीर फैमिली से है। यूनिर बोलती है हाँ वो असंग की सबसे अमीर इंसान की पोती है तो जीन को यहाँ पर भेजा गया था तुम दोनों से बात करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि ये लॉयल्टी ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिर बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जीन यहाँ पर 8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डील लेकर आई है, अगर हम लोग इस डील को किसी तरह ना होने दे तो लॉयल्टी ग्रुप का ताकत ऐसे ही रहेगा। जीन बोलता है सही में तुम्हारा पापा बहुत ही होशियार है, वो तुम्हारा शादी इतना आसानी से नहीं करवाएंगे लेकिन वो उससे पहले बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। यूनिर बोलती है हाँ पता है मुझे। लिन बोलते हैं मुझे लगता है कि वो प्राइवेट में होगा वो कॉपरेशन, तुम लोग इसे बड़ा हॉस्पिटल लेकर जाने नहीं चाहती हो ना, अगर ये खबर फैल जाएगा कि जिन को चोट लगा है इससे तुम्हारा कोलैबोरेशन में बहुत ही असर होगा ना। यूनिर बोलती है सही में तुम बहुत ही होशियार हो तो ये क्यों नहीं पता लगाते हो कि जिन पर कौन हमला किया है? लिन बोलते हैं मैं ये कैसे बता सकता हूँ। यूनिर बोलती है बहुत हो गया बकवास तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। लिन बोलते हैं लॉयल्टी ग्रुप को एक लॉयर की जरूरत है ना, मेरे पास एक लॉयर है। यूनिर बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? लिन बोलता है मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। लिन बोलता है हम लोग आ गए। यूनिर बोलती है ये घर तो जाना पैसा ना लग रहा मुझे। लिन बोलते है ये जीटीएन का घर है तुम्हें पता ही होगा। यूनिर बोलती है तो ये टीचर का घर है मुझे इसका ड्राइंग बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग तो लॉयर को खोजने आए थे ना। लिन बोलते है जीटीएन का पत्नी लॉयर है। फिर वो नॉक करके बोलता है मिस किंग क्या आप घर में हो क्या? मैं लिन हूँ। किंग बोलती है डॉक्टर लिन हाँ मैं हूँ घर में अंदर आ जाइए। फिर लिन सब कुछ बता देता है किंग को। किंग बोलती है और तुम मिसेस यूनिर के साथ काम करना चाहते हो ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट बना देती हूँ ये मेरे बाएं हाथ का खेल है तो तुम्हें कैसे चाहिए हैंड रिटन या इलेक्ट्रॉनिक वाला? यूनिर बोलती है
ये लीजिए मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल करिए। फिर वो कॉन्टैक्ट बनाने लगती है। यूनियन लिन को बोलती है अगर टीचर का कार एक्सीडेंट नहीं होता तो उनके फैमिली ये हालत में नहीं रहते हैं। लिन बोलते हैं उसके अलावा मैंने जीटीआर के हाथ का सर्जरी कर लिया है, शायद वो कुछ दिन के बाद पेंटिंग स्टार्ट कर देगा। यूनियन बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम जीटीआर का हाथ ठीक कर पाओगे, सही में तुम बहुत ही ज्यादा मस्त हो। तभी यूनियन बोलती है मिसेस यूनियन देख लीजिए मेरा हो गया। यूनियन बोलती इतनी जल्दी? फिर वो उसे देखने लगती है और बोलती है ये तो एकदम सही है, हमारे पास एक डॉक्टर भी है और साथ ही साथ एक लॉयर भी मिल गया। किंग क्या हमारे साथ जुड़ना चाहती हो क्या आप लॉयल्टी ग्रुप की लॉयर बनके? किंग बोलती है मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना मैंने कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया है ना, और मुझे अपने फैमिली मैटर को भी देखना है। यूनियन बोलती कोई बात नहीं आप पहले अपने फैमिली मैटर को देख लीजिए। कोई बात नहीं आप कुछ महीने बाद ही आइएगा काम में, मैं आपको आधा साल का पेमेंट पहले ही दे देती हूँ। ये लीजिए चेक। लिन बोलते मिसेस किंग ले लीजिए, आपको कोई मदद की जरूरत पड़े मुझसे मांग लीजिएगा। किंग बोलती शुक्रिया आपका डॉक्टर लिन, मिसेज यूनियन आप दोनों बहुत ही दयालु हो। लिन अपने क्लिनिक में चला जाता है। वो जिंक को बोलता है तुम कैसे हो, क्या तुम यहाँ पर रह पा रही हो ना? जिंक बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे अभी भी थकावट और कमजोरी लग रहा है। लिन बोलते है चिंता मत करो ये एक नॉर्मल बात है, सर्जरी के बाद ऐसा ही होता है, तुम आराम करो तब तक तुम्हारा शरीर ठीक नहीं होता है। जिंक बोलती है डॉक्टर लिन क्या आप नर्स को यहाँ पर बुलाओगे, मुझे उनसे कुछ कहना है। लिन बोलते है ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ इंतजार करो। फिर वो वहाँ जाकर लुआन और शो को खोजता है लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं होते हैं। लिन अपने मन में बोलता है ये चल कह रहा है, ये दोनों चली कहाँ गई। लिन चिल्लाकर बोलती है डॉक्टर लिन क्या हो गया। लिन अपने मन में बोलता है अब मैं क्या बोलूं, चलो अंदर ही चलता हूँ।